तो कुआं खोदना नहीं चाहते हो, तुम कह रहे हो बगल वाले की बाल्टी से पानी मिलेगा, और तुम अपनी प्रॉब्लम लेके संसार में घूम रहे हो, कुआं इधर है नहीं, खोदना नहीं है। सर पानी कहाँ मिलेगा सर, पानी नहीं मिल रहा है सर। जब भी लगे मैं जीवन में सबसे पीछे हूं, तो नीचे की तरफ देखना, आप और पीछे छूट जाओगे। कॉम्पिटिशन छोड़ो, आप अपने व्यक्तिगत रूप में भी बहुत पीछे जाते जाओगे जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप किस चीज की तैयारी करो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर ही बन जाओ, पर अभी आप जीवन में एक लक्ष्य लेके बैठे हो कम से कम डॉक्टर बनने का। कुछ और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ और प्रोडक्टिव कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ और ऐसा कर रहे हो जिससे आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, जिससे आपको जीवन में समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो अच्छी बात है। कि यहां से हम ये शुरू करेंगे, यहां से आगे की जिंदगी को सुधारेंगे, अभी भी समय बाकी है। देखो तुम कर्म करोगे तो तुमको आज नहीं तो जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा, तुम्हें पता है सब। तो कुआं खोदना नहीं चाहते हो, तुम कह रहे हो बगल वाले की बाल्टी से पानी मिलेगा, और तुम अपनी प्रॉब्लम लेके संसार में घूम रहे हो, कुआं इधर है नहीं, खोदना नहीं है। सर पानी कहाँ मिलेगा सर, पानी नहीं मिल रहा है सर, वो कुआं है खोदना नहीं, बिना खोदे सर पानी कैसे मिलेगा। मिल गया जवाब, यहां से शुरू करेंगे। अब आपको लग रहा होगा मैं लेट हूं, यही लग रहा है ना, मैं लेट हूं, किससे कंपेयर करो इन लोग से। कल मैं झुग्गी झोपड़ियों में गया था, उनसे आप बहुत आगे। जब भी लगे मैं जीवन में सबसे पीछे हूं, तो नीचे की तरफ देखना, आपको समाज में दिख जाएंगे ऐसे लोग। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं मिली है, जो आप जितनी पढ़ी लिखी हालत में भी नहीं आ रहे। आप बहुत पढ़े लिखे हो बेटा, आज जीवन में बहुत अच्छा कर लोगे, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी बीवी मिल जाएगी, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, सुंदर सुंदर बच्चे भी हो जाएंगे। कई लोग अभी अपनी जरूरतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कपड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब भी मन ऐसा उदास हो तो उनको देख लो, और फिर सोचो मैं उनसे तो बहुत आगे हूं।